राज्यसभा चुनाव से पहले सपा में दिख रहा घमासान, सवाल, क्या क्रॉस वोटिंग करने पर विधायकों पर सपा चीफ लेंगे एक्शन, क्या संवैधानिक नियम ऐसा करने की देते हैं इजाजत और क्या अखिलेश यादव अपने विधायकों को रोकने में होंगे कामयाब, नियमों को पढ़ा तो मिला चौंकाने वाला जवाब। सपा आलाकमान को अब चिंता करने की जरूरत ही नहीं, इधर विधायक हुए बागी तो उधर चला एक्शन का हंटर। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के चुनावों को लेकर पेच फंसा हुआ है और अब तमाम दलों को अपने विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने का डर सता रहा है। इसी ऊहापोह में समाजवादी पार्टी भी उलझी है क्योंकि कयास खतरे की घंटी बजाते हैं और कयास चौंकाते भी हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी से बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ ने अपना नामांकन दाखिल किया था। राज्यसभा में 10 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार उतार कर लड़ाई दिलचस्प बना दी है। बुधवार को बीजेपी के 7 प्रत्याशियों ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया था। इससे पहले मंगलवार को सपा के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। यूपी से कुल 10 प्रत्याशी मैदान में थे क्योंकि यूपी कोटे की राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई थी। ऐसे में वोटिंग की जरूरत नहीं थी। अब अचानक बीजेपी ने संजय सेठ को आगे किया है, वो 8वें उम्मीदवार हैं, इस वजह से अब वोटिंग की जरूरत होगी। दरअसल संजय सेठ पहले सपा में थे और सपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, लेकिन फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं कुछ सपा विधायकों और नेताओं ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर नाराजगी जताई है। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए राज्यसभा चुनाव में फिर से क्रॉस वोटिंग होने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन क्या अगर सपा या बीजेपी में से किसी भी गठबंधन के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी? क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं के बीच ये सवाल अब लोगों के मन में उठने लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल क्रॉस वोटिंग करने से किसी भी विधायक की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। दूसरी स्थिति में पार्टी अगर जानती है कि उसके विधायक ने किसको वोट किया है तब वो एक्शन ले सकती है। हालांकि अभी क्रॉस वोटिंग की संभावना ही केवल व्यक्त की जा रही है। सपा के उम्मीदवारों का नामांकन होने के बाद ये नाराजगी तेजी से बढ़ती जा रही है। पहले पल्लवी पटेल और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने नाराजगी जताई है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि कुछ और विधायक नाराज हैं। दूसरी ओर पल्लवी पटेल ने तो वोट देने से ही इनकार कर दिया, अखिलेश यादव की टेंशन भी बढ़ा दी। ऐसे में अब देखना यह है कि वोटिंग के दिन विधायकों का क्या रुख रहता है और विधायकों को कैसे पार्टी संभालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।